हे एवरी वन तो बच्चों अभी आज एक ऐसी न्यूज़ आई कि काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर इसके बारे में बात कीजिए कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है दैट दे विल बी रिलीजिंग टेन लाख वैकेंसीज इन द नेक्स्ट वन एंड अ हाफ ईयर तो अब बात यह है कि क्या ये न्यूज़ एकदम ट्रू है क्या ये न्यूज़ फॉल्स है क्या कुछ ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है तो देखो यार मैं अगर इस पर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दूँ तो कहीं ना कहीं इलेक्शन आर वेरी वेरी नियर तो ऑब्वियसली वी विल सी अ रैपिड चेंज इन पॉलिसीज तो पॉलिसीज में काफी सारे अपडेट्स आपको देखने मिलेंगे काफी सारे नए इनिशिएटिव्स आपको देखने मिलेंगे बट एज इंजीनियर्स इट शुड बी अ वेलकम न्यूज फॉर अस क्योंकि यार देखो एंड गोल कुछ भी हो एंड मोटिव कुछ भी हो इंस्पिरेशन कुछ भी हो बट एट द एंड ऑफ द डे वॉट डू वी वॉन्ट वी वॉन्ट वैकेंसीज वी वॉन्ट जॉब्स वी वॉन्ट टू अर्न फॉर आर फैमिलीज है ना सिंपल सी बात है यार आप लोग इतना पढ़ाई क्यों पढ़ाई में पैसा भी इन्वेस्ट करो टाइम भी इन्वेस्ट करो नाउ वट यू वॉन्ट इज यू वॉन्ट टू गिव इट बैक टू योर पेरेंट्स तो उसके लिए जॉब्स आनी चाहिए अब देखो यार रिसेंटली मैं देख रहा हूं काफी सारे बच्चों का ना टेक्निकल डोमेन की तरफ इंटरेस्ट लूज होते जा रहा है यार देखो अगर आप इंजीनियरिंग पढ़े हो और इंजीनियरिंग आप किए हो तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पे आपका कमांड होना इज समथिंग वेरी वेरी नेसेसरी आप ये सोचो यार इलेवन ट्वेल्थ जब हम करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है तभी ना हम इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं अब इंजीनियरिंग करें और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से ही हम डिस्कनेक्ट हो जाए हम ऐसे एग्जाम्स की तरफ चले जाए एस बैंक जो कि प्योरली नॉन टेक्निकल है जहां हमारी इंजीनियरिंग डिग्री का ना तो कोई वैल्यू है ना ही इंजीनियरिंग नॉलेज का कोई भी यूज है तो इन दैट केस इट्स वेरी वेरी डेस्परेट अनलेस यू नीड अ जॉब वेरी डेस्परेटली मतलब कई बार हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा होता है ना यार कैसी भी जॉब मिल जाए जॉब मिल जाए बिकॉज वी नीड इट तब तो चलो समझ आता है बट इन जनरल बेटा आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज डेवलप करना चाहिए क्योंकि देखो देयर विल बी अप्स एंड डाउन इन द जॉब मार्केट कभी वैकेंसीज हो सकती हैं कभी नहीं हो सकती हैं बट इफ यू हैव नॉलेज इफ यू आर रियली गुड एट समथिंग तो डेफिनेटली इवेंचुअली यू विल बी सक्सेसफुल तो लाइफ में ना देखो किसी भी चीज पे एवरेज बन के रह जाने में क्या है एक बहुत बड़ा रिस्क है कि जिंदगी भर हम एवरेज अर्न करेंगे बट लाइफ में किसी चीज में एक्सीलेंट होने में भले ही थोड़ा डिले हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट में लेकिन जो आपकी ग्रोथ होगी ना वो बहुत सॉलिड होगी तो अगर ये न्यूज ट्रू होती है कि दस लाख वैकेंसीज आती हैं और मैं ये एज्यूम करता हूं इसमें से टेन फिफ्टीन परसेंट इंजीनियरिंग वैकेंसीज भी होती हैं तो एक डेढ़ लाख वैकेंसीज आना बहुत बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप होगा और काफी सारे बच्चों को उसमें जॉब मिलने का चांस रहेगा तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा बच्चों की एक बार आप इस पर ट्रस्ट करो और अभी के लिए आप अपना टेक्निकल नॉलेज डेवलप करना स्टार्ट कर दो क्योंकि टेक्निकल नॉलेज डेवलप कर लिया तो जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज है उनपे तो कंप्लीट कर ही सकते हो बट इन फ्यूचर इफ मोर वैकेंसीज कम देन देर विल बी अर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड तो हमेशा ना मार्केट से थोड़ा सा आगे रहो हमेशा कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा आगे रहो अगर आप चीजों को प्री प्लान करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे तो यू विल बी द फर्स्ट पीपल टू गेट सिलेक्टेड यू विल बी द फर्स्ट पीपल टू गेट जॉब्स और मैं तहे दिल से ये चीज एक तरह से उम्मीद करता हूं एक चीज का मैं होप करता हूं कि ये न्यूज सच निकले ऐसा कुछ नियर फ्यूचर में हो और हमारे जो इतने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन साल से ड्रॉप लेके बैठे हैं और उन लोगों को सबसे पहले जॉब मिले सो so दैट कि वो अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाए और एक सेटल्ड लाइफ जी पाए तो मैं तो यार बहुत ज्यादा इस चीज को ये चाहता हूं कि ये सच हो जाए बट अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ अंटिल आई सी समथिंग वेरी वेरी सॉलिड इन दिस डायरेक्शन एक्साइटमेंट तब होगा बेटा जब वैकेंसीज आना स्टार्ट हो जाएंगे एक्साइटमेंट मुझे तब होगा जब इस तरफ कदम दिखने लगेंगे सिर्फ एक अनाउंसमेंट से नहीं बट अगर ऐसा होता है तो हमारी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा बट मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट तभी करूंगा जब ऐसा होगा होने से पहले कोई कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं करूंगा बट लास्ट पीस ऑफ एडवाइस बेटा बी प्रीपेयर फॉर एवरीथिंग बी प्रीपेयर फॉर द वर्स्ट एज वेल एज द बेस्ट कंडीशन तो अपनी टेक्निकल नॉलेज को अप टू डेट रखिए अपने सब्जेक्ट्स को परफेक्ट रखिए एक्सीलेंस रखिए उसके अंदर तो टेक्निकल डोमेन का साथ मत छोड़ो बेटा टेक्निकल डोमेन दोबारे से रिवाइव होगा यह गारंटी है चाहे गवर्नमेंट से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो लेकिन बेटा इंजीनियरिंग नॉलेज रखने वाले लोगों की जरूरत तो कभी ना तो खत्म हुई है ना कभी हो पाएगी इसीलिए अपनी टेक्निकल नॉलेज पे काम करते रहें और एक चीज और बच्चों अगर आपको अपनी टेक्निकल नॉलेज पे काम करना है तो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इस इसपे भी सारा कॉन्टेंट अवेलेबल है आप यहां से भी अच्छे से तैयार कर सकते हो एक एक सब्जेक्ट अगर आप मोटिवेटेड हो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो आप अन अकेडमी पे भी आ सकते हो क्योंकि वहां पे आपके सारे कोर्सेज लाइव चलते हैं और लाइव कोर्स में जब आप डेली बेसिस पे क्लास अटेंड करते हो तो ऑब्वियसली आपकी फ्लुएंसी बनती है मोटिवेशन बनता है आपको ना किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है आपको खुद के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप डेली टीचर से मिल रहे होते हो एक शेड्यूल में चल रहे होते हो और कल बहुत ही शुभ दिन है बेटा अन अकेडमी प्लस पे क्योंकि दो सबसे बड़े सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के मैथमेटिक्स एंड मशीन्स स्टार्ट हो रहे हैं टेक्निकल के अंदर यही दो सब्जेक्ट का मेजर वेटेज और कल ये स्टार्ट हो रहे हैं और वो भी आपके दो मोस्ट फेवरेट एजुकेटर्स मैं सुबह सात बजे स्टार्ट कर रहा हूं मशीन और शाम को सवा आठ बजे विशाल सर स्टार्ट करें मैथमेटिक्स तो इस मौके को मत गवाओ इसका मैक्सिमम फायदा उठाओ और सोने पे सुहागे वाली बात ये है बेटा कि अभी अन आपको बारह महीने और ज्यादा के सब्सक्रिप्शन में ना छह मंथ एक्स्ट्रा दे रहा है और सिक्स मंथ के सब्सक्रिप्शन में तीन मंथ एक्स्ट्रा दे रहा है तो अगर आप अभी भी सिक्स मंथस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो नाइन का बन जाएगा और नाइन का बन जाएगा तो गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री उसके अंदर ही कवर हो जाएगा तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको जाना चाहिए सब्सक्रिप्शन के लिए और जाते हो तो कोड याद रखना अंकित ईसी बिकॉज अंकित ईएसी का मतलब है आई विल पर्सनली गाइड यू फॉर गेट एंड ई एसी मैं आपका कंपेनियन रहूंगा मैं आपके लिए गाइडिंग लाइट रहूंगा और मिलके मेहनत करेंगे मचाएंगे बेटा लास्ट ईयर मचाया है इस बार लास्ट ईयर का रिकॉर्ड तोड़ना है ये याद रखना लास्ट ईयर टॉप टेन में छह रैंकर हैं इस बार आठ या दस रैंकर टारगेट करेंगे और मचा के रख देंगे हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे ठीक है तो मिलते हैं कल सुबह सात बजे प्लस की क्लास में फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन लेट्स क्रैक इट